मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे दुर्गा सप्तशती को, दुर्गा जी की कुछ पूजा कैसे करें, कुछ मंत्र बताऊंगा इस मंत्र से आप कैसे लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ ही आज एक आपको चमत्कार भी बताऊंगा, यह चमत्कार आप घर में भी कर सकते हैं और देखने वाले आपको समझेंगे कि बहुत बड़े कोई सिद्ध महात्मा है आप और मंत्रों की शक्ति से ऐसा कर दिया। कभी भी चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, जहां चमत्कार दिखाया जा रहा है वहां उसकी मनसा आपके लिए ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर मेरे एक कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दुर्गा सप्तशती के ऊपर। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं कि यूं तो दुर्गा जी की प्रतिष्ठा हमें दक्षिणायन में ही करनी चाहिए, लेकिन माघ में और आश्विन में, जिसे कुवार कहते हैं, अगर माघ और आश्विन में आप दुर्गा जी की प्रतिष्ठा करते हैं तो आपको विशेष फल भी मिलता है। इसके अलावा बहुत भ्रांति है कुंजिका स्तोत्र को लेकर, बहुत किताबों में आपको जब आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न हस्कम न नापी ध्यानम चरण, इस तरह से आपको मंत्र मिलेगा। मतलब कि आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, न ध्यान न सुख जपना है आपको, न कवच कील अर्गला, नहीं ये गलत है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको पाठ के आरंभ में भी करना है, पाठ के अंत में भी करना है। जिस तरह नवारण आप पाठ के आरंभ में भी करते हैं, पाठ के अंत में भी करते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि दुर्गा चरित्र जो है तीन, दुर्गा सप्तशती तीन चरित्रों में विभक्त है, प्रथम मध्यम और उत्तर। प्रथम में आपको एक अध्याय मिलता है, मध्यम में दो तीन चार और उत्तर चरित्र में 5 से लेकर 13 तक अध्याय मिलते हैं आपको। अब इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी आप चरित्र लेते हैं, अगर चरित्र का पाठ कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं रुकना है, ना ही किसी अध्याय में आपको बीच में रुकना है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम चरित्र आपने किया तो पूरा एक अध्याय पढ़ जाइए, मध्यम चरित्र का आपने शुरू कर दिया विनियोग करके तो 2-3-4 आपको पूरा पढ़ना है, बीच में आपको रुकने की अनुमति नहीं है। तो यह कुछ जानकारी आपको दुर्गा सप्तशती के समय अवश्य रखनी चाहिए। यदि आप दुर्गा जी की पूजा के उपरांत हवन करना चाहते हैं तो मध्यरात्रि में कीजिए, उसका आपको बहुत फल मिलेगा। इसके अलावा मित्रों एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो मंत्र बता रहा हूं इससे आप संपुट भी कर सकते हैं, इस मंत्र को आप अकेला भी जप सकते हैं। मंत्र को संपुट जो आप लगा के करेंगे, मेरा ख्याल आप संपुट पाठ जानते होंगे कि कैसे करना होता है, लेकिन संपुट दो तरह का होता है मित्रों, एक उदय संपुट एक अस्त संपुट। आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वृद्धि के लिए, या यजमान के लिए कर रहे हैं तो उनकी वृद्धि के लिए आपको उदय संपुट करना है। यदि आप विचार कर्मों में विलिप्त हैं और आप हो सकता है कि क्योंकि दुर्गा सप्तशती से ही सब कुछ होता है तो आप अस्त संपुट का पाठ करें तो आप अविचार कर्म आदि में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज अवश्य ध्यान रखना है कि या तो वृद्धि के लिए या किसी के अहित के लिए यदि आप पाठ कर रहे हैं तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु के निर्देशन के बगैर आपको पाठ नहीं करना है, अन्यथा आप गलत ही करेंगे। दूसरी बात कि कोई भी आप उपासना दुर्गा जी की करते हैं या सप्तशती का पाठ करते हैं, उच्चारण पद्धति जो है वो अपने गुरुमुख से ही सुन लीजिए, गुरु जी को कहिए कि वो अपने मुख से ही आपको पढ़ के सुना दें, सारी बातें आपको बता दें, क्योंकि सेतु महासेतु मुख शोधन कुल्लुका सापोधार संजीवनी उत्कीर्णन निर्मलीकरण आदि विषयों को गुरु कृपा से ही सीखा जा सकता है, अन्यथा आप नहीं सीख सकते इसको। और इन चीजों के बगैर दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई फल नहीं। अच्छा अब आइए आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको प्रथम चरित्र से एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को करने से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं।
मंत्र है ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बालादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। इस मंत्र को आप 10,000 11,000 की संख्या में जपें, जल लेके जपें और पुनः जपने के बाद उस जल को पी जाएं तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं मित्रों। इसके अलावा यदि आप लक्ष्मी जी के कामना के लिए मंत्र सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपको द्वितीय चरित्र मतलब मध्यम चरित्र में द्वितीय अध्याय से एक मंत्र बता रहा हूँ। वह मंत्र है छनेन तन महासैन्यम स्वर्णाम तथाम्बिका निन्ये क्षयम यथा वहनी अस्त्रण दारु महाचयम। फिर से बोल रहा हूँ, छनेन तन महासैन्यम स्वर्णाम तथाम्बिका निन्ये क्षयम यथा वहनी अस्त्रण दारु महाचयम। इसको करने से आपको लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी और आप समूह में भी आपके शत्रु होंगे तो आप उनका नाश कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसके अलावा मित्रों आपको एक मंत्र और बताता हूँ आज। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं या आपको लगता है कि दुख दरिद्र आपका पीछा पीछा नहीं छोड़ रहा है तो एक मंत्र है दुर्गे स्मृता हर्षी वितीम से जंतु स्वस्थ है स्मृता मती मती सुहाम ददासी। दुर्गे स्मृता हर्षी वितीम से जंतु स्वस्थ है स्मृता मती मती सुहाम ददासी। दारिद्र दय ध्रुवहारिणी कातरुण्या सर्वोपकार करनाय सदार्थिता। दारिद्र दुख भय हारणी का तो धन्य सर्वोपकार करना है सदार्थिता। इस मंत्र को करने से आपके दुख और दारिद्र का नाश हो जाएगा। लेकिन कोई भी मंत्र आप करिएगा, दुर्गा सप्तशती का संपुट भी करिएगा तो पुस्तक को अवश्य सामने रखिए। अब आइए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको एक चमत्कार बताऊंगा जिसको करने से आप लोग आपको समझेंगे कि आप बहुत बड़े जानकार हैं। कोशिश कीजिएगा ये सब ना करें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ। मित्रों आपको करना कुछ नहीं है, बाजार से कागजी नींबू ले आइए। आपको बहुत लोग जब जानेंगे कि आप तंत्र मंत्र में हैं तो आपसे पूछेंगे कि क्या आप नींबू उछाल लेते हैं, क्या आप नींबू हवा में उड़ा देते हैं। अरे ये सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं करना होता इसमें, यह सब विज्ञान है। फिर भी आप करना चाहते हैं तो करिए। नींबू बाजार से ले लीजिए कागजी नींबू, उसमें नींबू को कहीं से भी बारीक छेद करके छोटे छोटे छेद करके उसमें पारा और हल्दी भर दीजिए। क्या भरना आपको? पारा, मरकरी और हल्दी का चूर्ण भर दीजिए और उसको मोम के मुंह से बंद मतलब उस जो छेद आपने किया था उसको मोम से बंद कर दीजिए और कुछ नहीं करना। उसके बाद उस नींबू को या तो तेज धूप में रख दीजिए, वह नींबू उछलने लगेगा, इधर उधर भटकने लगेगा, या नीचे से आप अग्नि का ताप दे दीजिए तो भी वह नींबू उठ जाएगा और इधर उधर भटकने लगेगा और लोग समझेंगे कि अरे आप तो महात्मा हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया। ये सब मत कीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ पूजा पे फोकस कीजिए जैसा मैंने बताया है और जो जो कष्ट के लिए मैंने मंत्र बताया है उन कष्टों को आप करके इसका अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मंत्र जिससे आप स्वप्न में अपने कार्य की सिद्धि असिद्धि जान लेंगे कि मेरा यह कार्य होगा कि नहीं होगा। भगवती स्वयं आकर आपको संस्कृत में बताएंगे कि तुम्हारा यह काम होगा या नहीं होगा, यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक और वीडियो में खास करके ब्राह्मणों के लिए दूंगा जो कर्मकांड में लिप्त हैं कि ब्राह्मणों को कहीं भी जाइए पूजा कराने किसी भी यजमान के यहाँ, यजमान आपको दक्षिणा दे ना दे यह उसकी मर्जी है। हालांकि मैं सारे यजमान को भी कहूंगा कि जो ब्राह्मण आपके यहाँ कर्म कराने आता है उनको उनके सुख के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर दीजिए, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पुत्री है और इससे ब्राह्मण को आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए दक्षता प्राप्त होती है। तो मैं अगले वीडियो में ब्राह्मणों के लिए बताऊंगा कि कहीं भी पूजा कराने जाए एक माला मंत्र जजमान के निमित्त अवश्य करें। जो मंत्र मैं बताऊंगा इससे जजमान की आयु बढ़ेगी, जजमान आपका आरोग्य होगा, धनवान होगा, रिद्धि सिद्धिवान होगा। तो चलिए अगले वीडियो में बताऊंगा, आज के लिए ही अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दुर्गा जी से रिलेटेड या दुर्गा सप्तशती से रिलेटेड या दुर्गा पूजा से रिलेटेड जितनी बातें मैंने बताई हैं आशा करता हूँ
कि आप उसी तरह से करेंगे और अपने गुरु के निर्देशन में करेंगे, अपने गुरु के सानिध्य में करेंगे। जय माता दी, जय श्री राम।